boom gun. हमें भी सब याद आएंगे काफी लाश दिन भाई मेरे भाई तो मैं ब्लॉग के सबसे सामने रहा हूं लेते हैं अपने से बड़े जूते हैं बोल गल्लू इमोशनल हो गया था टू बी ऑनेस्ट बताऊं क्योंकि कॉलेज लाइफ रहूं या ना रहूं कभी फ्यूचर में बट हां जो मेरी कॉलेज की जर्नी है वो पूरा तो हाँ जी सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग हम लोग ने अपना व्लॉग एडिट करे थे हम लोग ये चेक करो हम लोगों का पूरा व्लॉग एडिट हो चुका है अराउंड 10 मिनट 36 सेकंड का ये व्लॉग है ठीक है एंड पूरा एडिट हो चुका है व्लॉग हाँ तो फिलहाल हम लोग फटाफट कॉलेज चलते हैं क्योंकि 9:05 हो चुका है 10 बजे से वर्कशॉप शुरू है तो लेट्स गो गाइस फटाफट तैयार होते हैं तैयार होने के बाद मिलते हैं गुड मॉर्निंग बोलो फटाफट गुड मॉर्निंग आजकल ना काफ़ी बिजी शेड्यूल हो रहा है ठीक है इसलिए मम्मी पापा से भी नहीं मिल पा रही मतलब मैं तो अराउंड शाम को आता हूँ फिर सो जाता हूँ है ना शांति हो रही है घर में बहुत मेरे बिना बहुत शांति हो रही बहुत ज़्यादा और इधर आओ भाई साहब छत में चलो तो हाँ जी फाइनली हम लोग नहा के आ चुके हैं एंड मैं सुबह उठते तुम लोगों को एक चीज़ बता देना कि हम तुम्हें एक चीज़ बता दें तो वो बात ये थी कि जो मेरे भाभी और भैया है ना पता है कौन बस व्लॉग शुरू होता नहीं है क्या हाल है त्रिशा के जो मम्मी पापा है ना ईशु भाई और नैन्सी भाभी वो कौन से मंदिर गए थे उज्जैन में गए थे महाकाल जी के मंदिर में तो वहां से भाभी हम लोगों के लिए ना ये ब्रेसलेट्स ये तो आदि के ना धागा भी मेरा भी और आपके पहनोगे चार धागे लाई थी भाभी बहू बहू घर छत में बहू बहू तो गाइस मैं ना सुबह ही नहा गया फटाफट वैसे मैं नहाता नहीं इतनी जल्दी थोड़ी लेट नहाता हूँ बट ये पहना था मेरे को इस समय नहा गया क्या देख रहे हो भाई हंसती है ना बू आप प्लेन लाए धागा नहीं लाए ओ मी बच्चो नहीं लाए पहन रखा उसने हाथ में देख अच्छा सबसे पहले तो तुम स्टाफ के हो तुम ही पहनोगे ना अच्छा धागा दिखा रही है अपना कि मेरे पे भी है अच्छा मेरा भी है मेरा लेट्स गो गाइस फटाफट हम लोग अपना खाना खाते हैं मैंने अपना खाना भी नहीं खाया खाना खाने के बाद डायरेक्ट निकलते हैं मोटो व्लॉग में मिलते हैं तुम लोगों से हां चाचा कैमरा यहां की चाचा मोटो व्लॉग में मिलते हैं ठीक है हां जी फिर से बोलो मिल गई भाई जैकेट के अंदर थी चाबी तो गाइस हम लोग जस्ट निकल रहे हैं ठीक है देहरादून का मौसम मेरा भाई टैम सी GoPro की लाइट जली देख हाँ रिकॉर्ड बाय बाय कितना टाइम बाद चला रहा हूँ क्या भाई भयंकर मैं तो चलाई भी नहीं जा रही अभी तो चली भाई पावर किधर थी मेरी जाने तब से भाई हाँ जी हम लोग उसको करा रहे हैं फॉग ऑफ व्लॉग ठीक है रिकॉर्डिंग भी हो रही है अभी हाँ जी ये भी देख रहा हाँ सभी देख रहा अब हम निकलते हैं और दिव्या जोशी को फ़ोन करते हैं क्योंकि दिव्या जोशी ने इतने कॉल कर दिए ना भैया मैं क्या बताऊँ जोशी जी ना परेशान हो रहे हैं घर पे यहाँ पे तो भाई दिव्या जोशी वहाँ वो चेक करो रोड के पार भाई एक हिंड ना जाए वहाँ रोड पे ये कुछ तो बहुत करी ना ये कैमरा खोलते इतने दांत दिखा दिए ना अपने टेढ़े टेढ़े से दांत हाँ भाई क्या हाल है अरे ना वो नहा रहा था मैं उस टाइम चल चलते हैं हटाओ जब जिंदगी में तुम लेट होते हो ना तुम्हें और चीज़ें लेट कराती हैं जिस दिन मैं लेट नहीं हो रहा होता हूँ ना आराम टाइम तो खुल्ला खुल्ला और आज हमें हमारे लेक्चर को लेट हुई और ये देखो रेड लाइट भाई दीपा की वजह से हो रहा हम वजह से हो नहीं भाई मैं तो दीपा की वजह से बोल सहेली के साइड में खड़ी करेंगे जिसकी वो आएगी
तुम्हारी नई सहेली है ठीक है, अभी रॉयल एनफील्ड ये इसने एक घंटा वेट कराया मुझे। तू मेरी टीम में किसकी टीम में है? तू मेरी टीम में किसकी टीम में बोल, मैं सब मेरी टीम में ना लेट किसने कराई? अमन मटोला ने लेट कराया लिटरली भाई, हमारी वजह से हुए हम लेट आज। क्या बढ़िया अमन की वजह, तुम्हारी वजह से हुए लेट भैया। एंड पहली बार आज हेलमेट से बाल सही हुए, मान लिया ना? मान लिया आज इसने, मान लिया। हाँ जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कॉलेज, ये चेक करो। एंड आज का जो मौसम है ना भाई इतना मस्त हो रहा है, पहली बार जिंदगी में ना हेलमेट पहन के मेरे बाल सही हुए। सो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं फिफ्थ फ्लोर में, क्योंकि ना स्टूडियो में हो रही वर्कशॉप, वहाँ हम कुछ भी शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टूडियो में वैसे भी अलाउड नहीं रिकॉर्ड करना। तो लेट्स गो गाइस, स्टूडियो चलते हैं, वहीं मिलते हैं हम लोग। स्मार्ट लग रहा है भाई। सो गाइस फिलहाल पे तुम लोगों को चीज बताते हैं बाहर मौसम कितना भयंकर हो रहा है। हम लोग सोच रहे कहीं जाएं अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि जो क्लासेस थी स्टूडियो में हो रही है, थोड़ा बहुत लेक्चर बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कहीं निकलेंगे। बाय द वे ये चेक करो भाई, गलत मैं तुम लोगों को चीज दिखाता हूँ। क्या हाल है, पेंटिंग दिखा, पेंटिंग दिखा रही भैया, वही पेंटिंग बनाई मैंने, पेंटिंग दिखाओ अपनी, कितनी प्यारी लग रही है इसकी पेंटिंग, क्रिएटेड बाय एकता, नाइस। जिस दिन मैं बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा मेरी पेंटिंग ही बनाएगी, है ना? यस यस व्हाई नॉट, बहुत रहे ना मजनू भाई वाली, नीचे गधा नीचे घोड़ा ऊपर गधा। लोग तो 4 बजे तक वेट करेंगे यहाँ पे, चलो ठीक है। अभी रुकेगा मेरे साथ? मेरे घर वालों ने बोला कि सूरज ढलने से पहले घर वापस पहुंचाना। एंड तुम ये चेक करो कितना मस्त लग रहा है भाई। हम लोग ना ऐसे जा रहे थे, फिर मैंने अंशु को बाय बोला, और अंशु उसके बाद बोलता कि आज लास्ट दिन है, उसके बाद कब तक नहीं आएगा? 6 महीने तक नहीं आएंगे। तू भी नहीं आएगा भाई? मेरे जूनी में आज सच में लास्ट दिन हमारा नहीं, पर हम आएंगे, हम मिलते रहेंगे, हम सब तो है ना, हम तो मिलते रहेंगे। हां यही कि सब अपनी लाइफ में आगे बढ़े, एंजॉय करो, कॉलेज लाइफ है जैसे स्कूल लाइफ एंड हुई थी वैसे कॉलेज लाइफ एंड हो रही है, तो कुछ नहीं, जो अच्छे दोस्त हैं वो हमें याद आते हैं बस, हमें भी सब याद आएंगे काफी। लास्ट दिन बाय मेरे भाई, मिलेंगे 6 महीने बाद जरूर, 6 महीने बाद मिलेंगे। 6 महीने बाद में मिलना चाहता हूँ, तो सीबी के कितने हो जाए तब तक? ज्यादा नहीं, 50,000 1 मिलियन हो जाए, छोटा नहीं सोचना, सीबी पागल है तू, हो जाएंगे 1 मिलियन भी हो जाएंगे। ये तो मैं ब्लॉग के सबसे सामने क्यों रहते हैं, अपने से बड़े जूते हैं अपने, क्या बोलती अगले साल भी चलाऊंगी। अबे क्या बोला इसने, इन्वेस्टिंग में मानस ने कुछ बोला, मानस ने कुछ बोला सबके सामने, डोंट शो मी योर फेस अगेन। चलो चल ले यार बहन, चल ले अबे बोल लल्लू, इन्वेस्टमेंट बोल, इन्वेस्टमेंट क्यों लेते हो तुम बड़े जूते, इन्वेस्टमेंट तो पड़े नहीं है तू निकाले बे, इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट चूज तो अंदर का 6 नंबर आ दूंगा मुझे ना अपने जूते का साइज ही नहीं पता। सो गाइस आज हम लोगों का कॉलेज में लास्ट डे ना लिटरली, ठीक है, एंड फिर हम लोग इंटर्नशिप लेंगे, तो काफी अजीब तो लग ही रहा है ना। एंड तुम लोग ये चेक करो, इस सारी बिल्डिंग को लास्ट बार देख लो तुम लोग, मेरे को भी अजीब लग रहा है काफी, बट इस पेड़ को भी क्या बोल सकते हैं मैं ना, इस पेड़ को भी लास्ट, ये इसे भी लाऊं आपसे व्लॉग में, बच्ची है तू नहीं लाएगा तो क्या आएगा है कहां, ये 8503 हां भाई कहां थी तू, तूने मुझे मिस किया, मैंने भी किया तुझे मिस। एंड मीना गाइस चलो अमन, वो भी चल हटना यार, नहीं लग रही है भाई, यहाँ के ना जो हरी वाली चटनी होती है ना वो ट्राई करना, बहुत भयंकर होती है। चाय के जूस की गाय, लक्की का नाम का चेयर्स गिराइए मकान, ये लक्की का नाम का चेयर्स था। तो गाइस हम लोग जस्ट निकल ही रहे हैं भाई, इतनी सुंदर लगी है लिटरली मेरे को, तुम लोगों को क्या बताऊँ, हम लोग इतने टाइम बाद आए थे ना यहाँ पे जोपा जी की दुकान में, एंड इन्होंने मॉडिफाइड कर दिए, काफ़ी मस्त कर दिया अब तो पहले से। चल ठीक है बहन, बाय ध्यान रखो, लास्ट दिन हमारे कॉलेज का, बाय बहन, ले लियो ना अरे भाई, बाय बाय लास्ट दिन, हाँ जी लड़की को लेके फ्लैग्स मारो, चुप रह तू, बाय बाय मेरी बहन, चलो ठीक है फिर। फिलहाल अगर हम लोग ये वाला व्लॉग एंड कर दें, ठीक है, जब मैं दिन में कॉलेज से आता था उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं करा क्योंकि मैं इमोशनल हो गया था, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, क्योंकि कॉलेज लाइफ ना 3 साल की ना
लिटरली खत्म हो चुके क्योंकि आज ग्रुप में मैसेज आ गया था एनओसी का कि मंडे को आना, अपनी एनओसी लेके चल जाना, कल तो कॉलेज है नहीं, एंड मंडे को सब आएंगे अपनी एनओसी लेके चल जाएंगे इंटर्नशिप में, 3-4 महीने बाद सिर्फ एग्ज़ाम देने आएंगे शायद। हाँ तो ये चीज़ है, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, तो मैं चुप ही रहा, मैंने व्लॉग ही नहीं करा, बट हम लोग ये वाला व्लॉग एंड कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। 12:09 हो रहे हैं। हाँ तुम लोगों को मैं एक और चीज़ बताता हूँ, देहरादून का मौसम इतना बदल रहा है ना भाई, बाहर चेक करो, बाहर ना बारिश हो रही है लिटरली, तब से 1 घंटे से ना लगातार बारिश हो रही है, पता तुम्हें। तो हम फिलहाल के लिए ये वाला व्लॉग एंड कर देते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। यू लाइक दिस व्लॉग देन मेक श्योर डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बी सेफ एंड स्टे सेक्सी वे वे, एंड बाय। दिल से शुक्रिया तुम सबका, हर एक उस बंदे का, हर उस बंदी का जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा एंड यहाँ तक पहुँचाया, ठीक है, इस लेवल तक। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि मेरे व्यूज आएंगे मेरी वीडियो में, मतलब मैंने लिटरली ये चीज़ नहीं सोची थी। बहुत कुछ है भाई, ग्राफिक के जैसा इतनी चीज़ें मिली ना, मैंने मेरा व्लॉगिंग जो करियर शुरू हुआ है वो कॉलेज से हुआ है, मैं सबके सामने ये चीज़ बोलता हूँ, हुआ है वो कॉलेज से ही हुआ। अगर मैं कॉलेज में वहाँ नहीं जाता, ऐसे दोस्त लोग नहीं मिलते, चीज़ इतने अच्छे से गई, सबने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट करा, हर एक ने भाई, इनफैक्ट टीचर्स ने तक मेरे को इतना सपोर्ट करा ना कि तुम लोगों को क्या बताऊँ। तो दिल से शुक्रिया, इज्जत हमेशा रहेगी तुम लोगों के लिए, मेरी पूरी कॉलेज जर्नी देने, मेरे पूरे चैनल पर रहेगी ज़िंदगी भर, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ कभी फ्यूचर में, बट हाँ जो मेरी कॉलेज की जर्नी है वो पूरा इस ब्लॉग चैनल में रहेगी, जो सीबी ब्लॉग के चैनल है ना, मेरा पहला दिन और मेरा आखिरी दिन। तो बाय, कल बात करते हैं आराम से।